फैलती हो और हम अपने आने वाली पीढ़ी को या फिर अपने सराउंडिंग को इम्प्रूव करा सकते। होना नहीं चाहिए। मान लो आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया और किसी ना किसी कारण आप पास नहीं हुए, तो फिर बैकअप क्या है? बैकअप है? नो बैकअप। बट आप लोग यंग जनरेशन हो बॉस, अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? प्लान भी नहीं रहेगा आपके पास, किसी के पास नहीं होना चाहिए। सर एक्चुअली वो आईसीयू पास और इसकी क्लास के बाद प्लान भी होता है, या तो हम सर एग्जाम क्लियर करेंगे या तो हमारी शादी। शुरू करने से पहले प्लान बी के बारे में पूछ लो सर। भैया आपकी एज क्या है? 21 पे आप कह रहे हो कि मुझे ऑप्शन भी नहीं चाहिए, मगर मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ऑप्शन भी मिल जाए। जॉब क्रिएशन से बहुत बेहतर लोग तो आए होंगे आपके स्टेट से, यूपी स्टेट सर 500 वैकेंसी ज्यादा थी सर, 10 लाख अप्लाई करने वाले लोग हैं, सीट है सर मात्र 170 अप्लाई करने वाले, तो लोग लगातार जा रहे हैं और मेरी ब्रॉडली थिंकिंग है कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, बट बेसिकली क्या है कि बहुत कम लोगों ने हिंदुस्तान का पूरा पावर कैप्चर कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग से ही रोजगार बन सकता है और मैन्युफैक्चरिंग का जो चैलेंज है फ्रेंकली वो चाइना डोमिनेट कर रहा है और हिंदुस्तान को डोमिनेट करना पड़ेगा। जब तक हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक हमारा 99% पॉपुलेशन 1% जॉब्स को ढूंढता रहेगा। आम मिडिल क्लास का बच्चा है उसको हम इस पटरी पे लगा देंगे, 99% तो आप फेल ही करोगे, 1% निकल जाएगा वो बहुत खुश हो जाएगा, और 99% क्या कहेंगे, भैया मेरे अंदर नहीं था, मैं नहीं कर पाया। मगर ये झूठ है, आप में कोई कमी नहीं है। अगर मैंने 100 बच्चों को यहाँ बैठा दिया और कहा कि भैया आप में से एक बचेगा, 99 की ठीक है, 10 की गलती हो सकती है, 15 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, बट 30, 40, 50% की तो नहीं हो सकती। बैंक से हमको लोन मिलता है आसानी से, अभी जो योजना चल रही है पीएम मुद्रा योजना।